हेलो गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज़, आज मैं एक इंस्पायर लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि है मेरी फेवरेट यूट्यूबर निधि दी का। सो उन्होंने रिसेंटली एक ब्लैक मोनोक्रोम मेकअप लुक शेयर किया था, तो मैं उसी लुक को रिक्रिएट करने वाली हूँ। एंड गाइज, शी इज़ सो ब्यूटिफुल एंड उनका मेकअप स्किल भी बहुत अच्छा है। सो आई जस्ट होप कि मैं थोड़ा भी उनके लुक तक रीच कर पाऊँ। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें। सो गाइस, फर्स्टली मैं अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर रही हूँ, क्योंकि फेस को प्रेप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप करने से पहले। तो मैं यहाँ गुड वाइब्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ, एंड इसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लूँगी एंड पैट पैट करके इसे अपने फेस में पुश कर लूँगी। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये पॉन्स का मॉइस्चराइज़र। सो यू गाइज नो कि मॉइस्चराइजिंग हमारे फेस के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर आपका फेस ड्राई है तो आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करें, एंड अगर आपका फेस ऑयली है तो आप कोई नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, बट ज़रूर करें। सो यहाँ मैंने इसे अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया है। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मालयाओ का आईब्रो पैलेट, एंड उसके साथ जो एप्लीकेटर आता है मैं उसी से इसे अच्छे से फिल करूँगी। सो निधि दी का जो आईब्रो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही घना है। सो मैं भी उसे अच्छे से डार्क करूँगी अपना आईब्रो को। सो या गाइस, देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये स्पूली, एंड इससे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से कॉम कर लूँगी ताकि सारे प्रोडक्ट अच्छे से इक्वली फिल हों। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये सिस ब्यूटी का कंसीलर, एंड इसे मैं अपने आईलिड पे लगाऊंगी अपने आईलिड को कंसील करने के लिए। एंड इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप भी अपने फिंगर की हेल्प से या फिर अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो, बट फिंगर से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। सो या देन मैं मेबलिन के कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर लूँगी ताकि कोई क्रीज लाइन ना पड़े, क्योंकि क्रीज लाइन पड़ेगी तो हमारा आई मेकअप पूरा बेकार हो जाएगा। सो देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYB का काजल फॉर माई स्मोकी लुक, क्योंकि उन्होंने एक ब्लैक स्मोकी लुक टाइप क्रिएट किया था, तो उसके बेस के लिए मैं यहाँ काजल यूज़ कर रही हूँ। एंड इसे रफली यूज़ करना है, कोई अच्छा सा ड्रॉ नहीं करना। देन मैं इसे एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड अगर आप बिगनर हैं तो आपको ब्लेंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मुझे भी होता था, बट देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मेकअप रिलेशन के पैलेट से ये ब्लैक कलर, ताकि जो भी मैंने ये काजल यूज़ किया है इसे अच्छे से सेट कर लूँ, क्योंकि हम कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके ऊपर से हम एक पाउडर प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करते हैं, तो ये भी सेम वैसा ही है। सो इसे मैं अच्छे से अपने सारे एरियाज़ पर लगा लूँगी जहाँ मैंने काजल यूज़ किया है। देन मैं यहाँ से ये पीची ब्राउन शेड ले रही हूँ, एंड इसे मैं अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। देन मैं इसे एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरा जो ब्लैक कलर है एंड जो मेरा ये ट्रांजिशन कलर है दोनों अच्छे से ब्लेंड हो जाए साथ में। चलिए दूसरी आई को कंप्लीट करके आते हैं। सो यार, कंप्लीट हो गया मेरा दूसरा आई भी। चलिए अब फेस मेकअप स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है ये प्राइमर, एंड ये है लैक्मे का प्राइमर। एंड गाइज, ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, या मैं हमेशा कहती हूँ, बट यार ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। सो इसे मैं अच्छे से अपनी टी जोन एरिया पर लगा लूँगी ताकि मेरे सारे पोर्स मिनिमाइज हो जाएँ। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये फिटमे का फाउंडेशन, एंड मेरा सेट है 128। एंड गाइज, आपको अब देखने में लग रहा हो कि ये मेरे फेस से डार्क है, क्योंकि ये कैमरा की वजह से लगता है, बट क्योंकि ये जो लाइट है ये सिर्फ मेरे फेस पे फोकस करता है तो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा चमकता है, एंड मेरे जो हैंड्स के स्किन है वो नहीं चमकते, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। तो इसे मैंने अच्छे से एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। आप चाहे तो एक ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं, एंड अपने ईयर को एंड नेक को बिल्कुल ना भूले, उससे भी अच्छे से कवर करें वरना वो अनइवन सा दिखेगा। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। एंड गाइज, अगर आप सन की लाइट में अगर अपनी वीडियो को शूट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा, बट मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि मैं सन की लाइट में शूट करवाऊँ, इसलिए मुझे अपने इस लाइट से, आर्टिफिशियल लाइट से करना पड़ता है शूट।
देन मैं सेम ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइज आप अपने कंसीलर को ज़्यादा इधर उधर फैलाएं ना, वरना वो आपके फाउंडेशन के साथ ही ब्लेंड होगा तो वो सारा फेस इक्वल सा ही दिखेगा। लेकिन कंसीलर का हाइलाइटिंग का जिस कंसीलर का मतलब ही ये होता है कि आप अपने हाइलाइटिंग एरिया को हाईलाइट करें, ना कि सारे एरियाज़ को। तो आपने जहाँ कंसीलर यूज़ किया उसे वहीं तक ब्लेंड करें। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, देन मैं सेम कॉम्पैक्ट से इसे सेट भी कर लूँगी, आप देख सकते हैं। देन मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, मैं अपने फेस को कंटूर करूँगी। एंड गाइज आप जब भी कंटूरिंग करते हैं तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में कंटूरिंग करें, कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटूरिंग ना करें, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा एंड कंटूरिंग ऐसे होती भी नहीं है। सो मैं अपने फोरहेड को भी कंटूर करूँगी अच्छे से। देन मैं अपने नोज़ को कंटूर करूँगी क्योंकि मेरे नोज़ थोड़े से फ्लफी हैं। देन मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से। तो यहाँ मैं पिंक शेड ले रही हूँ ब्लश के लिए, क्योंकि निधि दी ने भी एक पिंक शेड लगाया हुआ था ब्लश के तौर पे, तो मैं भी यहाँ पे एक पिंक शेड ही ले रही हूँ। देन उन्होंने अपने वाटर लाइन को टाइलाइन करने के लिए एक काजल का यूज़ किया था, ब्लैक काजल, तो मैं भी एक ब्लैक काजल ले रही हूँ एंड ये NYBA का है। देन मैं एक ब्राउन शेड लेके इसे अच्छे से स्मोक आउट करूँगी। देन मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड एक फ्लैट पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसे मैं अपने लेस लाइन के बहुत ही क्लोज अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरा जो काजल है वो भी इसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, वैसे फॉल्सेस तो लगाने ही हैं। तो फॉल्सेस लग चुके हैं एंड अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये बटन वाइल्ड का हाइलाइटर। सो गाइज़ मैं पहले ही हाइलाइटर लगा चुकी थी बट वो पार्ट सूट नहीं हो पाया, पता नहीं शायद गलती से हो गया था, तो मैं अगेन बस थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ। देन मैं यहाँ अपने ब्राबोन को भी हाईलाइट करूँगी एंड देन अपने इनर कॉर्नर को भी। तो उन्होंने दो शेड अप्लाई किया था लिपस्टिक के लिए, ब्लैक एंड एक न्यूड शेड, तो ब्लैक शेड तो मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पहले ही अप्लाई कर रही हूँ लिप बाम एंड उसके ऊपर से मैं एक ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने 5 मिनट्स क्राफ्ट में देखा था तो आज मुझे वो काम आ रहा है। सो मैं एक ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। देन मैं इसे और हल्का डार्क करने के लिए काजल ही लगा रही हूँ, क्योंकि कोई और कोई ऑप्शन नहीं है। देन मैंने एक ब्लैक बिंदी लगा ली है एंड या दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज। सो सेकेंड लिपस्टिक लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये लैकमे की न्यूड लिपस्टिक, इसे मैं बहुत ही लाइट लगा रही हूँ एंड या दिस इज़ अगेन माई फाइनल लुक। सो गाइज आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई होप निधि दी को भी अच्छा लगे। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाएँ। सो बाय गाइज।